हूँ रेणुका डोरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेणुका डोरा। तो दोस्तों मैं आपके साथ फिर से एक टीम न्यू टीम बना के लाई हूँ जिसके साथ गेम होने वाली है। तो आप मेरी टीम को जरूर प्लीज़ आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा और उसे ज़रूर इस टीम को आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर बनाती हूँ हाजर टीम पे कैसे टीम बनाई जाती है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल स्किप किए हुए। तो चलिए फिर यहाँ पे राउंड करती हूँ जिसके साथ होने वाली है राजस्थान मुंबई के बीच में गेम होने वाली है। तो अब इसको मैं क्लिक करती हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी तो दूसरे पेज आपको खुल के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे क्रिएट टीम नज़र आ रहा है, आप क्रिएट टीम में टच कर लीजिए। जैसे आप टच करोगे दो लोगो दिख रहा है राजस्थान और मुंबई का और बीच में 100 की क्रेडिट दी गई है। जैसे उसके नीचे विकेट कीपर, बैट्समैन और राउंडर और बॉलर भी दिए गए हैं। 100 के अंदर ही आपको सारे 11 टीम को तैयार करनी है। तो चलिए फिर दोस्तों टीम बनाते हैं। टीम बनाने से पहले मैं आपको यही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि न्यू न्यू और बेल आइकन के साथ दोस्त बनाएं ताकि आपके न्यू न्यू जितने भी मैं वीडियो जब भी बनाऊं आप तक पहुंच जाए। और आपकी फीडबैक की और आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना। और तो चलिए आगे की डिटेल्स में बताती हूँ। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की मैच होने वाली है ट्यूसडे यानी कि 5 अक्टूबर को होने वाली है। इंडियन टाइमिंग के अनुसार ये होगी 7:30 PM को और ये खेली जाएगी शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। इसकी पिच की बात की जाए तो पिच बहुत ही शानदार पिच है और वेदर की बात की जाए तो बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, साफ़ सुथरे वेदर है। थोड़े से मतलब गर्मी भी है वहाँ पे। तो चलिए फिर हिट टू हिट की बात करते हैं। तो ये हिट टू हिट की बात करते हैं तो दोनों के बीच में 23 बार दोनों एक दूसरे से भिड़े हैं, 23 बार दोनों एक दूसरे के साथ खेले हैं। तो जिसमें राजस्थान रॉयल है 11 बार विनर हुए हैं और मुंबई इंडियंस है 12 बार विनर हुए हैं। यहाँ पे दोनों बराबर की टक्कर में सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा मुंबई का है, तो कोई बात नहीं, क्या पता कल मुंबई राजस्थान है जो 12 पॉइंट में आ जाए और दोनों बराबर टीम पे चले, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप मैच को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक मैच ज़रूर देखना कल और मेरे वीडियो को भी लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए अब विकेट कीपर बनाते हैं। तो विकेट कीपर दिख रहे हैं आपको घेर के दिखाई हैं यहाँ पे सारे नाम, यहाँ पे विकेट कीपर के नाम हैं और क्रेडिट भी बगल में दिए गए हैं। इसी को देखते हुए और पिछले गेम के परफॉर्मेंस के अनुसार आप टीम बनाइए। तो चलिए टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं विकेट कीपर को लेती हूँ, क्विंटन डेक कोक को लेती हूँ और संजू सोमन को लेती हूँ। अब आगे बात करते हैं बैट्समैन की। तो मैं यहाँ पे बैट्समैन में रोहित शर्मा को लेती हूँ, इवन लुइस को लेती हूँ और क्रिस लेन को मैं स्पिक करती हूँ, आप ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे एसएसवी जसवाल को लेती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ। तो ऑलराउंडर भी देखिए दोस्तों, आप स्क्रॉल करते रहिए आपको यहाँ पे ऑलराउंडर के भी नाम आपको नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पर ऑलराउंडर के रूप में यहाँ लूँगी शिवम दुबे को लेती हूँ ऑलराउंडर के रूप में। अब आगे चलते हैं बॉलर की तरफ। तो बॉलर में यहाँ पर लूँगी बॉलर भी स्क्रॉल करते रहिए, स्क्रॉल करते रहिए आपको बॉलर भी दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को लेती हूँ, मुस्ताजी को और रहमान को लेती हूँ और फिर यहाँ पे चेतन सकरिया भी है तो आप उसे भी ले सकते हैं, पर मैं उसे स्किप कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लूँगी ट्रेंट बोल्ट को लेती हूँ और फिर राहुल चौहान को नहीं लूँगी, राहुल चौहान को स्किप करते हुए मैं यहाँ पे लूँगी यहाँ बहुत सारे नाम हैं तो आप
रोहित भी है, कार्तिक त्यागी है, राहुल चौहर है, चेतन सकरिया भी है, राहुल चौहर को ले लेती हूँ, राहुल चौहर, और फिर मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ, देखिए चेतन सकरिया को भी ले लेती हूँ। मेरी टीम बनके तैयार है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ पे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन देखने को मिलेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज़ करना है यहाँ पे, तो ये कैप्टन अगर अच्छे चूज़ करे, अच्छे अगर परफॉर्मेंस करे तो 2 गुना पॉइंट मिलेंगे, और वाइस कैप्टन को 1.5 गुना पॉइंट मिलेंगे। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्टन के रूप में यहाँ पे लूँगी क्विंटन डे कॉक को लेती हूँ, और संजू सोमन को मैं वाइस कैप्टन के रूप में लेती हूँ। तो मेरी टीम बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ। जैसे यहाँ सेव टीम की, तो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, देखिए हम घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको आ जाएंगे। यहाँ टीम रिव्यू में कीजिए, यहाँ टीम रिव्यू भी आपका यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही टीम रिव्यू किया, यहाँ माई टीम्स नज़र आ रहे हैं। माई टीम्स नज़र आने के को क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी नज़र आएंगे। जैसे ही कॉपी को क्लिक की, फिर यहाँ टीम रिव्यू, और देखिए मैं जिस जो जो ली हूँ खिलाड़ी को, यहाँ पर आपको सारे नज़र आएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अगर कुछ भी इसके लिए जानकारी आप चाहते हो तो मेरे कम्युनिटी में आप चेक कर लेना, और मेरे इंस्टा में, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दी हूँ, तो वहाँ से भी फॉलो कर लेना, और मेरे टेलीग्राम में रेणुका डोरा, तो वहाँ से भी आप सर्च कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अच्छी सी टीम लेके आती हूँ। तो आप इजाज़त दें, तब तक बाय बाय, टेक केयर।